कौशिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। लोकसभा का कारवा आज पहुंच चुका है शहडोल। ये वही शहडोल है जहां मैं पली बड़ी हूं और बहुत अच्छा लग रहा आज यहां से ये शो करके। तो देखिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात और लोकसभा चुनाव से बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा बयान दिया है और कई बिंदुओं पर विपक्ष पर निशाना भी साधा है। इस विषय में भी विस्तार से हम बात करेंगे और साथ ही आज कमलनाथ के घर क्यों पुलिस की बड़ी टीम पहुंची इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शहडोल में किन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा और क्या समीकरण है शहडोल का, ये रिपोर्ट देखिए। शहडोल एक जनजाति बहुल इलाका है। बिंद की शहडोल सीट शुरू से ही आरक्षित रही है, जिसमें 24 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाद्री सिंह वर्तमान में सांसद हैं। 2017 में भाजपा के आदिवासी नेता नरेंद्र सिंह मरावी से उन्होंने शादी की। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में आई। कांग्रेस की प्रमिला सिंह को रिकॉर्ड 4.5 लाख वोटों से हराया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। फुंदेलाल सिंह मार्को 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुने गए। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री रहे। 2013 में पहली बार पुष्पराजगढ़ सीट से जीतकर विधायक बने। 2018 में दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। शहडोल सीट पर ज्यादातर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है और इस सीट पर आदिवासी मतदाता किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। यही वजह है कि शहडोल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा ले चुके हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी सभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि आदिवासी वोटर जिधर जाएंगे जीत का पलड़ा भी उधर ही भारी होगा। देखा कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र जो कि आदिवासियों का गढ़ माना जाता है, आदिवासी वोटर ज्यादा है और साथ ही ये आदिवासी सीट है। हिमाद्री सिंह जो कि मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। तो दूसरी तरफ फुंदेलाल मार्को जो कि पुष्पराजगढ़ के विधायक है, उनको कांग्रेस पार्टी ने शहडोल लोकसभा से मैदान में उतारा है। तो उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई पहलू पर विस्तार से चर्चा करते नजर आए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने बयान दिया, साथ ही राम मंदिर का मुद्दा गूंजा तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। ये भी कहा कि विपक्ष मेरे कपड़े का मजाक उड़ाता है। तो हर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पेशल मेहमान है, उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। दिनेश जी हैं कांग्रेस पार्टी से और चंद्रेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रेश द्विवेदी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे हम। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा, मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी का शहडोल लोकसभा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, तमाम दिग्गज शहडोल की धरती आते रहते हैं और कोशिश रहती है कि शहडोल को साधा जाए, लेकिन क्या वाकई में शहडोल में वो काम हुआ, वो विकास हुआ जिसके दावे और वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं? क्या वाकई में शहडोल की तस्वीर बदली जिसकी उम्मीद जनता बरसों से कर रही है? बिल्कुल, शहडोल की तस्वीर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बदली है। शहडोल पुराने समय में एक बहुत ही छोटा शहर हुआ करता था जहां बहुत अनेक सुविधाओं का अभाव था। आज आप देखें शहडोल में मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। शहडोल को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, शहडोल को यूनिवर्सिटी मिली है और शहडोल की जो सड़कों का विस्तार हुआ है और चहुमुखी विकास शहडोल का अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसके पहले शहडोल में विकास की इतनी ज़्यादा कमी महसूस की जाती थी कि छोटे कस्बे के रूप में शहडोल था, तो इसलिए विकास तो अनवरत हुआ है और काफ़ी विकास गतिशील भी है। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, शहडोल में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कांग्रेस को जनता क्यों चुने? क्या उम्मीद आप लोग जनता को दे रहे हैं? ये दो मुंह ही बातें करते हैं और इस बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जो इनका प्रत्याशी है ना उसे तक इन्होंने नहीं बनाया, वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री
स्वर्गीय दलवीर सिंह जी की पुत्री है। इनके पास एक कैंडिडेट नहीं है आज लोकसभा में लड़ाने का। जो बातें करते हैं ना, ये घर में घुस के मारेंगे। कांग्रेस ने इतने लोग इनके घर में भेज दिए, कुछ दिन में परिणाम। आप लोग भेज दिए या कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता इतने नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी में खुद ब खुद चले गए? या आप लोग भेजे, प्लानिंग के तहत तो नहीं भेजे हैं? ये जो गए हैं ना, ये किसी मोह में या किसी दबाव में नहीं गए। ये सब सोच के गए हैं कि उन्हें वहाँ जाके क्या करना है। अब कुछ दिन बाद परिणाम देखिएगा। अरे कार्यकर्ता तो ये भी कहते हैं ना कि राहुल गांधी हो, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, वो कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। कुछ लोग कहते हैं कि हमें राम मंदिर में जाने से रोका जाता है, इसलिए नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज अगर आप किसी मंदिर में नहीं गई तो आप हिंदू नहीं रही। अच्छा? आप हिंदू से अलग हो गई। अगर किसी ने एक दिन आपके आयोजन में भाग नहीं लिया तो वो विरोधी हो गया। ये गंदी और हल्की मानसिकता है। लेकिन ये मुद्दा राम मंदिर का है। मानता हूँ 33 करोड़ देवी देवता हैं सनातन धर्म में। अच्छा। हाँ, और सब मालिक हैं सनातन धर्म के। किसी एक देवी देवता से सनातन कमजोर होने वाला नहीं है। चलिए, कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर नहीं गईं तो आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। क्या देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने देवी देवता हैं, राम मंदिर में किसी को जाने से रोक दिया तो क्या ऐसा हो जाएगा। तमाम चीज़ें हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को वोट बैंक के एजेंट से देखती है। क्या वाकई में राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों के लिए ऐसा है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए आस्था का विषय है। और हमारे लिए क्या, हिंदुस्तान में निवासरत करोड़ों ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर पर आस्था रखते हैं, तो ये आस्था का विषय, कोई राजनीति का विषय नहीं। अब कांग्रेसियों को हर आस्था में अगर राजनीति दिखती है तो ये इनकी अपनी परिकल्पना हो सकती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। साथ ही इन्होंने एक विषय और बोला कि जो कैंडिडेट है इनके यहाँ से आई है, तो मैं इसके बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इनको अपना घर नहीं संभालने में नहीं आ पा रहा, तो ये देश और राज्य और प्रदेश क्या संभालेंगे। ठीक है, एक बार लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या प्लानिंग है, क्या देखते हैं। भैया, शेड्यूल में काम धाम हुआ है कुछ? बहुत काम धाम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी काम करने वाली है इस बार या राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी काम करने वाली है। और भाई साहब ने जो बोला ना कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि है, उसके बारे में जानकारी भाई साहब ले ले अच्छे से। ठीक है भाई साहब, जवाब दीजिएगा। हाँ बताइए आप। काम हुआ है, है? मोदी जी कर रहे हैं। हाँ भैया, आप बताओ। सबसे पहले तो जो भैया ने कहा कि जो ये बात सुधार ले, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो नहीं, सुर हैं, गंधर्व हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। पहली चीज, राम मंदिर आस्था की बात है, आप आए या ना आए, घर में भी आप करेंगे पूजा तो राम की ही करेंगे, है ना। मंदिर आने से नहीं आने से आपको किसी ने रोका नहीं है, आप स्वेच्छा से आते हैं या नहीं आते हैं। रही बात विकास की, कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। आप कुछ किन से आपका सवाल है, कौन से नेता से सवाल पूछ रहे हैं? सवाल नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी आई है उनका दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। अच्छा। जी हाँ, ठीक है, तो देखिए चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। जी बताइए। हमारा मुद्दा ये है कि शहडोल ज़िले में भाई साहब बता रहे हैं कि विकास बना है, चहुमुखी विकास हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। भाई साहब मुझको 5 गांव गिना दें अपने 10 साल के कार्यकाल में कि ये काम हुआ है, मैं मान जाऊंगा। ना रोड बनी है, ना इनके कार्यकाल में कोई ऐसी विकास हुआ है जिससे लोगों को रोज़गार मिला हो, या ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे महिलाओं को फ़ायदा हुआ हो, ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा हुआ हो। उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ऐसे काम नहीं किए जिससे किसी को यहाँ लाभ हुआ है। तो ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, इस पर भी फोकस रहने वाला, बातचीत होगी। देखिए मुद्दों पर, देखिए लोकसभा चुनाव राष्ट्रहित के मुद्दों पर चुनाव होता है, ये तो आप भी समझते हैं ना। तो राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात हो रही है ना। राष्ट्रहित के लिए तो फिर कांग्रेस ने काम किया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था। अगर कांग्रेस ने काम किया तो कांग्रेस क्यों नहीं
नहीं है अभी। आप मेरी बात सुनिए, 200 साल अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस ने इस देश को संभाला जब इस देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस ने इस देश में जब राजस्थान के अंदर 20 टेलीफोन थे, नल 10 नल थे, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी, कुछ भी नहीं था। कांग्रेस ने इस देश को विकास करके 60 सालों में इस देश को विश्व में सबसे आगे पहुंचाया है। ठीक है, ये कह रहे कांग्रेस ने काम किया, आप बताइए कौन काम किया। वैसे तो आप कहेंगे बीजेपी नहीं काम किया, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत देर तक भाषण देते नजर आ रहे, उन्होंने कई बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तमाम मुद्दे जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, कांग्रेस कह रहा था, कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपनी बात रखी। तो आप लोगों को क्या लगता है मोदी की गारंटी इतना देश में हो रही है कि आप लोगों का कोई अलग से मुद्दा है मोदी की गारंटी के सिवा? आपसे ही मैं पूछ लेता हूं कि क्या महिलाओं को सशक्तिकरण करना मोदी जी का वादा नहीं है? 33% का आरक्षण देना मोदी जी का वादा नहीं है? अगर देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री पहला अगर निर्णय लेता है तो कहता है कि हर घर घर पे मैं शौचालय बनाऊंगा, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करूंगा, तो ये क्या मोदी की गारंटी नहीं है? अगर मोदी जी ये कहते हैं कि विकास हमारा 10 टेलीफोन और कौन कौन सा बताया कि नाली नहीं था, रोड नहीं था, करप्शन तो थे ना 60 साल में, इनकी जो क्या INDIA कौन सा एक ग्रुप बनाए हैं, इनमें जितने भी घोटालेबाज बैठे हुए हैं कि गौ माता का घास से लेके चारा से लेके और 2G घोटाला और कोयला घोटाला और बोफोर्स घोटाला और कई सारे घोटालों का नारा लगाते थे, क्या स्टेशनों पे वो स्लोगन आपने 14 से 24 तक में पढ़े कि लवारिस वस्तु को हाथ न लगाएं ये बम हो सकता है? आप 14 से 24 तक तो समझ सकती हैं, और आप अगर हमारी देवी तुल्य लक्ष्मी तुल्य अगर हमारी बहन हो तो आप भी समझ सकती हो कि लाडली बहना से लेके लाडली लक्ष्मी तक और कन्या पूजन से लेकर उसके विवाह तक सारे चीज कराने का काम, तो ये मोदी जी का गारंटी ही है ना सर? ये बात बिल्कुल सही है, आपने कहा कि तमाम मुद्दे और तमाम पहलू पर जिनमें आपने ध्यान हमारा भी केंद्रित कराया और जनता उस चीज को समझ रही है, लेकिन आज इस मंच से हम शहडोल की बात भी कर रहे हैं। शहडोल वही जगह है जहां मैं पली बढ़ी हूं, इस पर मैं बार बार कह रही हूं, शहडोल में आज भी क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा? देखिए, जिन माँ बाप के पास पैसा है वो ठीक ठाक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में क्या शेड्यूल आगे बढ़ रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ज़माने में ये हमारे सिंहपुर के उप सरपंच जी बैठे हुए हैं, आपको बता सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कि यहाँ पे एकमात्र डिग्री कॉलेज हुआ करता था। हाँ। आज पूरे ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं। अच्छा। पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी खुल चुका है, मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, और उस पंडित शंभुनाथ शुक्ल में MBA से लेके सारी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सबसे बात करेंगे। हाँ बोलिए, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे और जवाब देना चाह रहे थे। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी ने बात की इलेक्ट्रिक बॉन्ड की, तो मेरा सवाल ये है हमारे बड़े भाई से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से। अभी ये बात की गौ माता की, मैं सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों से, वो गौ माता के नाम पे वोट तो लेती है, 250 करोड़ का चंदा क्यों लेती है वो भी वालों से? किससे चंदा लेते हैं? इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है आपका, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेती है? कौन सी पार्टी से आप? नहीं, मैं किसी पार्टी से हूँ चाहे न हूँ, आपने हमको बुलाया लोकसभा में, मैं किसी पार्टी का पट्टा पहन कर नहीं आया, मैं किसी भी पार्टी का हूँ, लेकिन जो सच है वो आप बताइए। क्या आज आप मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद दिखाते हैं, आपके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है, आप पूरा उनका लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 250 करोड़ का चंदा किस पार्टी ने लिया बी फॉलो से। और दूसरी बात, हमारे बड़े भाई ने बताया कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन जिस डिग्री कॉलेज को बंद करके उन्होंने यूनिवर्सिटी तो खोल दी, लेकिन आज 2017 में 2018 में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी थे हमारे, वो उन्होंने घोषणा करके गए थे कि हम ये डिग्री कॉलेज चालू करेंगे, वही घोषणा सेम एज इट इज घोषणा रिपीट करके गए 2013 के 23 के चुनाव में, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज खुला नहीं, एक कॉलेज को दूसरे तक जगह स्थानांतरित कर देना विकास नहीं है, ना इसमें बढ़ोतरी है। तो देखिए, एक बार जनता से बात कर लेते हैं, उनका भी फीडबैक ले लेते हैं। भैया पार्टी वार्टी से तो नहीं हो? नहीं ना। हाँ बोलो। ये बोल रहा हूँ मैं, ग्राम पहलवा
गोपारू से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ एसटी कैटेगरी आदिवासी कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी आप आदिवासी की बात किए, पूछना चाहते आदिवासी कितने लोग हैं? नहीं है ना, मैं यही बोल रहा हूँ सर, क्या देखे हैं आप? पूरा विकास देखे नहीं है पूरा? देख आप स्कूल की बात कर दिए, स्कूल में देखिए टीचर कितने हैं और स्कूल की हालत देखे हैं, ये समस्या आप पूरा देखेंगे। और सीधी सी बात है, बीजेपी नाम मात्र की काम कर रही है ना, जाए ना गाँव, जहाँ जाए गाँव जाके देखे, मैं पूरा नाम गिना दूंगा, पूरा इधर पूरा बेल्ट गिना दूंगा मैं। देखिए जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। हम बात करना चाहते, सुनिए मैम, वो हिमाद्री सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़े हैं ना मैम, और फुंदेलाल यहाँ की गरीबी सब हालातों को जानते हैं मैम, पूरा हालात यहाँ पूरा जानते हैं। फुंदेलाल गांव में पढ़े हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं मैम। ठीक है, तो देखिए जनता क्या बोल रही है, सबसे बात करेंगे। आप बड़ा लेटर वेटर लेके आई हैं, वो भी इतना बड़ा लेटर? लेटर लेके इसलिए आई हूँ, शहडोल में सामान्य सीट होना चाहिए, हर जगह सामान्य सीट है, उमरिया सामान्य है, व्यवहारी सामान्य है, सीधी सामान्य है, हमारा शहडोल क्यों नहीं सामान्य है? आदिवासी क्यों घोषणा किया आपने, बताइए आप? आप नहीं चाहते कि ओबीसी हर जगह सीट अलाउ रहे, सामान्य सीट नहीं आना चाहिए क्या? चुनाव लड़ना चाहती है क्या? यस यस, चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए सामान्य सीट करवा रही हैं। तो चलिए देखिए, इस चीज़ का हल तो अब बड़े लेवल पर निकलेगा, लेकिन जनता के मुद्दों पर हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपका ये लेटर रख लेती हूँ। तो चलिए नेताओं से पूछते हैं, आऊँगी आपके पास। कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, आपने सवाल सुन लिए, जवाब आप दे दीजिए। देखिए सवाल तो हर उत्तर का प्रश्न होता है, हर प्रश्न का उत्तर होता है। जितने सवाल यहाँ पे लोगों ने किया है, सवाल करने वाले ऐसे लोग हैं कि 60 वर्षों तक यहाँ पे शहडोल की बदहाली के वो प्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण रहे हैं, उन्होंने शहडोल को बदहाल होते अपनी आंखों से देखा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अनवरत रूप से जो विकास हुआ है, जो हम स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो कोई हवा में नहीं कर रहे। आज हमारे यहाँ के बच्चे जो पहले भोपाल जाके, इंदौर जाके, मुंबई जाके, दिल्ली जाके पढ़ने के लिए मजबूर होते थे कांग्रेस शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज सारी सुविधाएँ आपको शहडोल में एजुकेशन सेक्टर में मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ आपको शहडोल में मिल रही हैं। शहडोल आज संभाग का स्वरूप ले चुका है, जिस शहडोल को इन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया था, जिस शहडोल को तीन भागों में विभाजित करने का काम किया था, उस शहडोल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभाग का स्वरूप देने का काम किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय और संभाग का स्वरूप देने के साथ संभाग की जो सुविधाएं शहडोल को मिलनी चाहिए उसमें 90% सुविधाएं शहडोल शहर को प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए शहडोल की बात हो रही है, और शहडोल की बात मैं भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, शहडोल वही शहर है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, ये वही शहर है जहाँ 10वीं के बाद मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। वो तो मेरे पापा सक्षम थे कि मुझे बेहतर शिक्षा दे सकें, वो पैसे खर्च कर सकें, तो हमने वो पढ़ाई कर ली। लेकिन आज भी यहाँ के बच्चे एजुकेशन के सेक्टर में वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो सुविधा आज भी नहीं है। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, वेंटिलेटर वाली स्थिति आ जाए, तो यही वो शहडोल ज़िला है जहाँ पर ना वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है, ना कोई व्यवस्था होती है। हमें भागकर छत्तीसगढ़ रायपुर का रुख करना पड़ता है, या फिर जबलपुर भोपाल जाना पड़ता है, तब जिंदगी बचाई जा सकती है। और आप दावे कर रहे हैं कि शहडोल में विकास हुआ, शहडोल की तस्वीर बदली, सर नहीं बदली। देखिए शहडोल जिला चिकित्सालय आप लगता है बहुत दिनों से नहीं गई है। शहडोल जिला चिकित्सालय की इतनी बेहतर व्यवस्था है, सामने अस्पताल है, अभी आप जाके देखिए, वेंटिलेटर यहाँ पे दर्जनों की तादाद में मौजूद है, मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर मौजूद, और सारी सुविधाएं शहडोल जिला चिकित्सालय में हैं। आप कभी भी कोई मरीज अगर वहाँ पे जाता है, ईश्वर न करे आप कभी जाएं, लेकिन मरीज कभी जाएगा तो उससे आप पूछे, सारी सुविधाएं मौजूद हैं और समुचित इलाज की व्यवस्था है। चलिए मैं मान लेती हूँ, शायद मैं नहीं गई हूँ, जनता बताएगी क्या ये सही कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलना भैया। मैडम देखिए बिल्कुल गलत है, इनका कहना अस्पताल है यहाँ पर, उनमें एक्सरे फिल्म है नहीं, आप अपना वो करा लीजिए। और ब्लड बैंक आप मेडिकल कॉलेज बना के रखे हैं, चले जाइए ब्लड बैंक वहाँ ढूंढ लीजिए, अगर मिल जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। अभी कल की बात बता रहा हूँ, इनका विकास बोल रहे थे अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पर कल एक पुल टूट गया है, रोड पूरा बंद है, आगे पूरे अधिकारी रहते हैं लेकिन कोई आ जा पा नहीं रहा है, और इन्हीं के भाजपा कुछ एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं कि शहडोल की तस्वीरें बदली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते क्या? दुर्गेश एक बार तस्वीर दिखाइए, मानते हैं शहडोल में तस्वीर बदली? हाथ उठाइए ना भाई, कितने लोग मानते हैं नहीं बदली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए एक बार, आप मानते हैं नहीं हुआ? ठीक है, आप बताइए,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और लगातार प्रयास जारी है। मोदी की जो सरकार है वो लगातार अपनी गारंटी पे काम कर रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भाजपा की सरकार 400 के पार आएगी। ये भी बोलना चाहती हैं आप, बोलिए आज आप ही बोलिए। शहडोल में डॉक्टर नहीं है फैसिलिटी, शहडोल में डॉक्टर साहब रेफर कर देते, जबलपुर जाइए और मरीज मरते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है, मेडिकल कॉलेज में कोई दवाई नहीं मिलती है, सब फर्जी दवाई सेल कर दी जाती है, हॉस्पिटल के डॉक्टर वैद्य सब मिले भगत है, कलेक्टर से लेके एसपी से लेके डीआईजी से लेके आईजी से लेके सभी लोग मिले भगत है और यहाँ पेशेंट मरते हैं, एक दवाई की बोतल तक नहीं है। अच्छा। हाँ इतना आप परेशान है, आपका गुस्सा दिख रहा है और ये दिख रहा है कि आप नेता वाकई में बनना चाहती हैं, आपके अंदर की एनर्जी बता रही है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप लोग बताइए शेड्यूल में सब ठीक ठाक व्यवस्था है? देखिए कुछ लोग भाग भी रहे हैं, आप बताइए भैया। मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही चल रहा है, यहाँ पर पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, अभी मेडिकल कॉलेज खुल गया है, मतलब अमाउंट ऑफ जो मरीज थे पहले जितने भी थे, मतलब अगर आप देखती पहले तो अस्पताल के बाहर भीड़ लगी रहती थी, लोग फर्श में सोते थे, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर बाकायदे सोने की, मतलब उठने बैठने की, पानी की सब की व्यवस्था है, ये तो मैं देख रहा हूँ, इतना तो डिफरेंस आया है। ठीक है और भी लोगों से पूछेंगे, आप क्या करते हैं भैया? पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई यही शेड्यूल में कर रहे हैं। ठीक ठाक एजुकेशन के लिए व्यवस्था है? एजुकेशन की व्यवस्था उतना ज़्यादा सही है नहीं। एजुकेशन की व्यवस्था उतना ज़्यादा सही नहीं है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत यह है कि टीचर सही नहीं है और व्यवस्था सही नहीं है, कोर्स सही नहीं कराए जाते हैं टाइम टाइम से, यही व्यवस्था है। नेताजी सुनते जाइएगा, व्यवस्था ठीक नहीं है, सब पर बात होगी, बाहर जाना पड़ता है, बाहर पढ़ाई करना पड़ता है, यही व्यवस्था है, यही का यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था यही है। आप बताओ भैया क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, आम बेरोजगार युवक हूँ शहर का, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं चंद्रेश भैया हमारे आदरणीय भाजपा के बड़े नेता हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आपने बहुत एक पुल बांधा भाजपा का कि संभाग बनने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई, मेडिकल कॉलेज आया, तो भैया एक संभाग का अधिकार होता है, अगर आप संभाग बनाएंगे आपको ये सब फैसिलिटी संभाग को देनी पड़ेगी। आप बाई रोड आई होंगी शहडोल, बाई रोड जैसे शहडोल में इंटर की होंगी, इतनी विकासशील रोडें हैं शहर की, मुझसे बेहतर आप जानेंगे क्योंकि हम तो रोज जाते हैं, लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। भैया स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप जिला अस्पताल चले जाइए, मेरे साथ किसी आदमी को भेजिए, पटेल डॉक्टर है और कई डॉक्टर ऑपरेशन के लिए गरीबों से पैसा लिया जाता है, बड़े लोग। तो देखिए विस्तार न्यूज है आपका अपना चैनल, हम बार बार कह रहे हैं जनता की बात करेंगे और जिन जिन बिंदुओं पर जनता चाहेगी नेताओं का ध्यान केंद्रित करवाना तो हम करवाएंगे और सवाल पूछेंगे। अब जनता बोल रही है स्वास्थ्य सुविधा क्या है, सुन लीजिए और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ एक अंकल बोल रहे थे कि मुझे बोलना है, कहाँ चले गए वो, सब बोलेंगे, बताइए। देखिए मैं पेशे से वकालत करता हूँ। अब रही बात शहडोल की तस्वीर की, तो शहडोल की तस्वीर पहले और आज, आज की व्यवस्था धीरे 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 अग्रसर है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में भी बढ़ रहे हैं, रोड में बढ़ रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी में बढ़ रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक दल का नहीं हूँ लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, अब अचानक हवा की तरह तो नहीं उड़ेगी, लेकिन धीरे 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 व्यवस्था होगी। हुआ क्या, जब दिग्विजय सिंह यहाँ सीएम थे तब शहडोल को उन्होंने ऐसा बांट के रख दिया था, उसके बाद जब भाजपा की सरकार आती है उस समय शहडोल का विकास लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि पे है। आज एजुकेशन के मामले में अब धीरे धीरे करके हमारे शहडोल संभाग के चारों तरफ के पब्लिक और बच्चे आके यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दूर नहीं जा पाते थे, ये तो एक बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए और भी लोग हैं, क्या करते हैं भैया आप? जी मैं वकालत करता हूँ पेशे से। अच्छा, और समस्याएँ ये हैं कि यहाँ जैसे विकास बहुत धीमी गति से है जो कि, और यहाँ युवा वर्ग बहुत परेशान है, बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है जो कि एक गंभीर समस्या शहडोल के लिए, आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। आज वर्तमान में शहडोल की ट्रेन की व्यवस्थाएं देखेंगे तो कोयला वाहन तो पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से रेलवे स्टेशन चलाया जा रहा है कोयला वाहन, लेकिन यात्री वाहन के लिए आप किसी भी प्रत्येक यात्री से पूछ लीजिए। आप बताइए क्या समस्या आपकी? हमारी कोई समस्या नहीं, मोदी सरकार ही सबसे अच्छा है, मोदी से अड़के कोई नहीं है। मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया? मोदी ने ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है, क्या किया, बताओ? कितना
राम जन्मभूमि का मुद्दा हल कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया, और क्या 370 हटा दिया, और सनातन हिंदू धर्म को कम से कम जीने का मौका मिल गया, धारा 370 खत्म कर दिया, महिलाओं का जो है तो वो करते रहे 3 तलाक वाला, वो मोदी ने कर दिखलाया, बड़े बड़े ब्रिज मोदी ने ही बनवा दिया, ऑल इंडिया में चारों तरफ सड़क मोदी ने बनवा दिया, गांव गांव से जोड़ दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जहाँ इतने इतने बड़े गड्ढे रहते थे वहाँ जाके देखिए सन्नाटा रोड, बिल्कुल चले जाओ शुरू से अंत तक बिल्कुल लगता है कि सन्नाटा चले जाओ। ये बताओ किसी पार्टी से तो नहीं हो? किसी पार्टी का नहीं है, सनातन हिंदू धर्म से है। देखिए सनातनियों की आवाज सुनिए। हाँ बताइए, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, देश में अगर विकास चाहिए तो मोदी जी को लाना है राष्ट्रहित में। तो आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से गूंज यहाँ सुनाई दे रही है। बीजेपी के यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास की रफ्तार धीमी है, ये मैं नहीं जनता कह रही है। देखिए विकास की जितनी रफ्तार जनता की अपेक्षा थी उससे दुगने रफ्तार से हमारे यहाँ काम हो रहा है। अब जनता प्रायोजित रूप से एक आध लोग अगर बोल रहे हैं तो उन्हें हर प्रायोजित व्यक्ति का जवाब दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जिस गति से शहडोल में विकास हुआ है, शहडोल जब मैं कहता हूँ तो शहडोल संभाग संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, समूचे प्रदेश में सर्वांगीण विकास है। आप कृषि के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, स्वरोजगार के क्षेत्र में देखें, आप देखिए एसएचजी समूह के माध्यम से, एनआरएलएम के माध्यम से हमारी महिलाएं जो है बड़े पैमाने पर स्वरोजगार में आश्रित हैं और बड़े स्तर पर स्वरोजगार है। लखपति बहन बनाने का जो हमारा वादा है उस वादे के हम करीब पहुंच रहे हैं। आज विकास की गति द्रुत गति से हमारा शहडोल आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर विकास की जो यह क्रम है अनवरत रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम। शहडोल में विकास हो रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हमने देखा है जो महिलाओं को खुश कर लिया वो सरकार आसानी से बना लेता। आप लोग भी एक दावे कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं 8,000 हम महिलाओं को देंगे हर महीना, कैसे देंगे? आपके कुछ नेता तो जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कई क्षेत्रों में देख रहे हैं हम कि 10-10 रुपए का चंदा भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं अकाउंट सीज कर दिया गया, उसके बाद कैसे कांग्रेस इस रणनीति में आगे बढ़ेगी? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, महिला में तो भेद नहीं होता ना, मानती हैं आप? तो वो महिला कौन थी जो ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत कर रही थी और सुनने वाला कोई नहीं था? तब नारी शक्ति कहाँ गई थी? तब इनके कान में रुई क्यों लगी हुई थी? विकास की जहाँ तक बात करते हैं, अगर इन्होंने नई लाइन डाली, रेलवे की लाइन बिछा रहे हैं, तो यात्री ट्रेनें क्यों बंद की हैं? यात्री ट्रेनें बंद की हैं, मालगाड़ी एक भी बंद नहीं हो रही है। ये एक आदमी को लाभ पहुँचाया जा रहा है, कितनी जनता को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आते हैं मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज का कौन सा डॉक्टर है जो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर रहा हो? क्यों कर रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस? आयुष्मान कार्ड में लूट बची हुई है, 5 लाख तो उसका है या हॉस्पिटल का, उसके अलावा बिल बना के दिया जाता है, वो गरीब बेचारा मर जाता है। इनमें सुधार क्यों होगा? ये हल्ला से, ये शोरगुल से सच्चाई दबने वाली नहीं है, ये नारे नहीं रुकने वाले हैं। जहाँ तक बात आती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, केवल ये माहौल बना के नारे लगा के आज शहडोल जिले में जितना पलायन हो रहा है कहीं हो रहा है? मनरेगा क्यों बंद कर दी इन्होंने? ठीक है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप लोग को कह रहे हैं कि ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए एक विधायक को ही सांसद का टिकट देती है, और हम लोगों के पास तो इतने लोग हैं, कोई कमी नहीं है। हमारे तरफ चली आ रही है और डेली आ रहे हैं टूट के, उनसे क्यों दुखी हैं? और अगर ये दिनेश भैया बोल रहे हैं हमारे कि वो जो कौन से पहलवान का नाम लिया आपने, ब्रजभूषण सिंह, तो भैया 3 तलाक में अगर जो बहने हैं मुस्लिम बहने, तो वो भी तो हमारी बहने हैं ना, उनको अत्याचार ना हो उसके लिए अगर मोदी जी ने किया है कुछ, तो फिर हमारी तो बहने हैं ना, देश की सब बहनों के लिए सोचना तो काम है ना। आरोप कुछ नहीं है, कोई नहीं है, विकास ना हो, सब अज्ञानता की ओर रहे, पढ़े लिखे ना बहने, उनकी मान सम्मान ना हो, ये कांग्रेस की रूल रही है। हम उनको सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो इनको दुख है।
कैसा सशक्तिकरण करना चाहते हैं? एक तरफ देश ने जो देश का गौरव है बेटियां, उन बेटियों के सम्मान में उनसे मिलते नहीं हैं, उनका अपमान करते हैं। मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई जाती हैं तब मोदी जी के कान नहीं खुलते। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों पर महिलाएं आरोप लगाती हैं तब नहीं बोलते। मुद्दे को डाइवर्ट करना भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से जानते हैं। बस एक तरफ घुमा दो, मुस्लिम बहनें हमारी बहनें नहीं है। अरे मुस्लिम बहनों का मुद्दा ठीक है, हम समर्थन करते हैं, आप जो अच्छा काम करेंगे हम उसको बोलेंगे। और मोदी जी अपनी बीवी से भागते, भाई आप खुद ही बता लो। हमारा ये कहना है सभी महिलाएं बराबर हैं, सभी सम्मानित हैं, सभी पूजनीय हैं। एक मिनट, जसोदा बेन कौन है? जसोदा बेन के बारे में अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का मर्द हो जवाब दे के दिखा दे, जवाब दे के दिखा दे मोदी जी क्यों छोड़ दिए। राहुल गांधी निरंतर नारी शक्ति का अपमान करते आ रहे हैं। आप डिबेट, आप टीवी चैनल की रिपोर्टर है, डिबेट करती है, आप निरंतर देखते हैं किस तरीके से नारी शक्ति का विरोध करें। लगातार यहाँ हो, शहडोल में हो, हिमाद्री सिंह जी का हो, सबका वो विरोध करते हैं। अभी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल तक नहीं पाए, इतनी उनकी दुर्दशा खराब है। महुआ खा के गए, अनाप शनाप बोल रहे हैं यहाँ से। राहुल गांधी अपने किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाने नहीं गए, ढाबा में खाना खाने गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति है हम लोग आदिवासी के यहाँ जाते हैं खाना खाते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए काम करते हैं। नवरात्रि के पावन 9 दिन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मदारी एक ढाबा है, वहाँ राहुल गांधी चिकन खा रहे थे और जीतू पटवारी फोटो दिखाई तो वायरल। ये नारी शक्ति की बात करेंगे, नारी शक्ति की बात करें, वही नेता पेशाब करते हैं, यही लोग, यही भाजपा के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं, यही आदिवासी ने भाजपा। देखिए क्या है भारतीय जनता पार्टी, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अभी तो राहुल गांधी के बारे में चिकन बता दिए, इनकी प्रत्याशी जो मंडी से चुनाव लड़ रही है हाई प्रोफाइल सीट, अब मंडी कहाँ चले गए, अभी अभी कुछ और बताते हैं, मध्य प्रदेश वापस आइए। इनकी कैंडिडेट बोलती है मैं भी खाती हूँ डंके के चोट में, जिसको जो करना करो, तब इनका मुख बंद हो जाता है। अभी मैं आपसे बोला कि भाजपा का एक भी मर्द हो तो जसोदा बेन के बारे में बात करके बता दे, नहीं बोला कोई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये वास्तव में न मोदी की सरकार है न जनता की सरकार है, ये सिर्फ उपद्रवियों की सरकार है सिर्फ। लेकिन आरोप तो कांग्रेस पर लगता है सर, गुंडे हैं बोलते हैं। आरोप सभी के ऊपर लगते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिनको जो वास्तविक स्थिति है, चाहे आप शहडोल को ले लें, ग्रामीण क्षेत्र का ले लें या शहरी क्षेत्र का ले लें, हर जगह जितने भी नंबर दो के कारोबार हैं, चाहे वो रेत का हो, कोयले का हो, पत्थर का हो, सारे नंबर दो के कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज, हिंदुत्व का मुद्दा ये लोग बार बार उठाते हैं। हिंदू शब्द, एक चीज बता दें, हिंदू शब्द आया कहाँ से, वही मैं जानना चाहता हूँ। हिंदू शब्द फारसी शब्द है। हिंदू शब्द आप लोग दो नंबर का काम करते हैं ऐसा कह रहे हैं, बताइए। करते हैं दो नंबर का काम, ये करते हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी करती है, ये करते हैं खुद, इसलिए मालूम है कि कौन कार्य करता है दो नंबर का, इनको इसलिए मालूम है इनके जी। आपने, आप छोटी बहन है, आप कह रहे शहडोल की बेटी हैं, आपको पिताजी सक्षम थे, आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भेजा होगा तब भेजा गया होगा। आज शहडोल से 500 लड़कियाँ का लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, तो 5000 यहाँ पढ़ने भी आ रहे हैं शहडोल में। सुबह स्टेशन में जाइए, 5000 लड़के लड़कियाँ आते हैं शहडोल पढ़ने के लिए। ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज में अगर नहीं होता तो कोविड काल में अगर 12 लोग मरे होंगे तो 12000 लोग बच के भी गए हैं यहाँ। मैं पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ, आते हैं क्या शेडोल लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं क्या शेडोल? मैडम यहाँ बेरोजगारी का विशेष मुद्दा है और गाँव में कोई भी विकास नहीं, लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या? नहीं बोलना चाहते हैं शायद, आप बताइए। बिल्कुल लोग पढ़ने नहीं आ रहे हैं, शेडोल हमारा जो है संभाग जरूर बन गया है, लेकिन एक संभाग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शहडोल को आज भी नहीं मिला है। स्वास्थ्य व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था यहाँ नगण्य है, पढ़ाई के लिए। हाँ हाँ बताइए, ये बताइए यदि ऐसा है तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की सीटें क्या खाली हैं? इन्हीं से पूछिए, यूनिवर्सिटी की सीटें खाली हैं, भैया से पूछिए, प्रश्न करिए आप ही। ठीक है भैया, जवाब दीजिएगा। हाँ बोल, एक जवाब दे देता हूँ। जितने लोग भी बैठे हैं बहुत देर से सब बोल रहे हैं विकास नहीं, 10000 बच्चे पंडित शंभुनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं,
हमारे पार्षद को नहीं मालूम है, कांग्रेस के पार्षद को, कि ये यूनिवर्सिटी अब 22 कॉलेज को चलाने के लिए और उसको एफिलिएशन देने का पावर पा चुका है। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, प्लस ये जो डिग्री कॉलेज शहडोल में है, डिग्री कॉलेज शहडोल में भी वो भी अब उस एफिलिएशन के थ्रू चलेगा। प्लस वहाँ युवा खड़े हैं यार, युवाओं से पूछने दीजिए ना, युवाओं से पूछने दीजिए कौन काम किया कौन काम नहीं किया, कौन कितना काम किया। एक मिनट, युवा जो है प्लीज आप आगे आए, ऐसे पीछे खड़े होकर मत देखो शो को, आगे आओ और बात करो और बताओ क्या काम हुआ। हाँ भैया बोलो। मैडम आप इनसे पूछ लीजिए कि 10 साल के शासन काल में क्या इन्होंने स्थायी रोजगार के लिए कुछ पद सृजित किए, कोई कारखाना उद्योग इत्यादि स्थापित किया सड़ो संभाग में? यदि हाँ तो मैं मान जाऊंगा कि भाजपा ने वास्तव में विकास उत्कर्ष वाला किया। युवा हो ये बताओ कौन से कॉलेज में पढ़ते? पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय। कैसी व्यवस्था है कॉलेज में? बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है उस कॉलेज की जी। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपनी व्यवस्थाएं दी है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था दी है। आज बाहर से युवा आज पढ़ने के लिए यहाँ पास आ रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी दी है इसके लिए हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, आप बताओ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। कौन से कॉलेज है स्कूल में? मेडिकल कॉलेज में हूँ। क्या सुविधा मेडिकल कॉलेज की? सुविधा है लोगों को हेल्थ से रिलेटेड। हाँ अच्छी सुविधा। तो देखिए पंडित शंभुनाथ शुक्ला कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं और ये मेडिकल कॉलेज के हैं, ये कह रहे हैं व्यवस्था है, तो जो ये कहेंगे वही हम कहेंगे। जनता कहेगी सही है तो हम भी सही कहेंगे, जनता बोलेगी गलत है तो हम भी गलत कहेंगे। आप बताइए। पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? जयसिंह नगर कॉलेज में। क्या आपके कॉलेज में व्यवस्था ठीक है? जी जी बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं भैया? मैं भूतपूर्व विद्यार्थी हूँ जी, भूतपूर्व विद्यार्थी हूँ, अभी अपना काम कर रहा हूँ जी। क्या दिक्कत क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में कुछ कर रहे हो? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ मेरी मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, बिजनेस चल रहा है ठीक ठाक? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, आप बताइए भैया। रोजगार दिया है। अच्छा, ये मोदी जी के भक्त है। हमें कोई समस्या नहीं है, हमें सब कुछ लाभ मिल रहा है, हम लोग को आयुष्मान कार्ड बनाया है हमारा, और भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। हमने यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोग आंदोलन किए, हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, हम तो यहीं पढ़े हैं और यहीं जॉब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा तो देखिए हम युवाओं से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शहडोल में क्या व्यवस्था है और क्या दिक्कतें हैं। तो युवा कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था अच्छी है, तो कुछ कह रहे हैं कि शंभुनाथ कॉलेज में भी अच्छी व्यवस्था है। तो लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी और अब नेताओं के पास चलते हैं, मंच में चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए आप सुन रहे थे युवकों की बात और अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो कहेगी जनता कहेगी। बिल्कुल 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 सही कहना है आपका। हमारा ये कहना है कि ये सांसद का चुनाव होने जा रहा, प्रधानमंत्री का चुनाव होने नहीं जा रहा, ये चुनाव होने जा रहा है शहडोल संसदीय क्षेत्र को कौन संवारेगा। हिमाद्री जी संवारेंगी, फुंदेलाल जी संभालेंगे कि मोदी जी संभालेंगे? बात ये आती, पिछली बार जब हिमाद्री जी को चुनाव जिताया था 5 साल तक वो फील्ड में नहीं दिखे, आज जो आए हैं फुंदेलाल जी, बताता हूँ जहाँ तक फुंदेलाल जी का बात है, 3 बार विधायक का चुनाव वो जीते, आज वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आए हैं, जनता के पास गए हैं, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात जो आती है आपकी, जो विकास 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 और कॉलेजों के बारे में गिनाया जा रहा है, ये अभी हुआ है आदेश, जनता बता रही है आपको जो पहले था, आप पढ़ने गई थी पहले गई थी, ये वर्तमान की स्थिति है। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि अगर आप शहडोल के बाजार में निकल जाएँ, शहडोल प्रॉपर मुख्यालय की सड़कें देख लें, तो क्या हम ये मान के खुश हो जाएं कि मथुरा एक्सप्रेस हाईवे बना है तो ये सड़क अच्छी है? एक बात बताइए, एक मिनट मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव लोकल की प्रॉब्लम है, के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी मोदी की गारंटी तो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दा है? राष्ट्रहित 15 लाख खाते में डालने का मेरे पिताजी बोल गए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का मेरे पिताजी बोले। ये तो मैं नहीं जानती सर, आपके पिताजी ने बोला कि नहीं? आपको बता रहे हैं, अगर नहीं जानती तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, वो गारंटी कहाँ गई?
गारंटी की गारंटी नहीं है। कहां गई भाई गारंटी? बोल रहे हैं कि उनके पिताजी ने नहीं बोला था, नरेंद्र मोदी ने बोला था, क्यों नहीं हो रही पूरी? देखिए 15 लाख वाली बात इनको कहां से सपने में आ रही है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से लोगों का विकास हुआ है, इस 15 लाख को मैं दूसरे रूप में परिभाषित कर सकता हूँ। गरीबों के आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, आप आयुष्मान भारत योजना के तहत आप इलाज की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, देश के अंदर हर नागरिक को सरकार सुविधाएं देने का काम कर रही है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को हम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। अगर आप सुविधाओं का आकलन कर लें तो सुविधाओं का आकलन इतना बड़ा है कि 15 लाख से भी ऊपर है, इसलिए मैं प्रमाणित तौर पर आपको कह रहा हूँ कि हमारी सुविधाएँ बेहतर है। इसलिए इनका जो आरोप है, क्योंकि ये तो झूठा आरोप लगाने में माहिर है और ऊंचे स्वर में वही बोलता है जिसके पास जवाब देने के लिए कोई तथ्य। क्यों बताइए झूठे आरोप लगा रहे हैं? ये बात मैं इनसे सहमत हूँ, शोरगुल मचाना, जोर से बोलना उनकी आदत रहती है जिनके पास मुद्दे नहीं रहते, वो शोरगुल वो करते हैं। अगर काम किया होता, काम बोलता, राम नहीं बोलते, काम के बहाने राम, राम के बहाने काम, ये दोहरी राजनीति इनको छोड़नी पड़ेगी। काम के बहाने राम, राम के बहाने काम, तो आप लोग राम के बहाने काम कर रहे हैं? राम के बहाने चुनाव जीतने का एजेंडा तो नहीं है जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है? देखिए राम हमारे आराध्य हैं और एक नहीं लाख बार हम बोलेंगे राम हमारे आराध्य हैं, आस्था के केंद्र हैं और भगवान राम की कृपा से ही इस देश में संपूर्ण विकास की गति आगे बढ़ी है। इसलिए भगवान राम का नाम लेने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो राजनीति में भगवान राम को भूलने का काम न करें। एक बार भगवान राम को भूल के ये हसर अपना उनका हो रहा है, आगे आगे क्या होगा जनता बताएगी। ठीक है, आगे आगे क्या होगा जनता बताएगी। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनेंगे सर। देखिए ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल, बिल्कुल सुनते हैं हम सबकी। हमको भी विस्तार दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ शबरी राम को बुलाने नहीं गई थी, राम शबरी के पास गए थे, वो भी राम थे। प्रहलाद ने भी भक्ति की थी, भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे। ध्रुव ने भी भक्ति की थी, भगवान ने उसको भी तारा था। आडंबर से राम भी दूर हैं, भरत अपना पूरा राज्य देने गए थे लेकिन राम ने वो राज्य नहीं लिया था। लेकिन ये लोग जो भव्यता दिखा रहे हैं, अपनी कमजोरियों को पीछे छुपा रहे हैं, ये गलत है, इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है हाँ। देखिए ये हमारे कांग्रेस के साथी जो है, जो भगवान राम की स्थापना में, भगवान राम के मंदिर जाने में जिनको गुरेज था, वो भगवान राम का बखान कर रहे हैं, इनके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। भगवान राम की बात तो हम लोग फक्र के साथ करते हैं कि हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम आस्था का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम लोग भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को विकास को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अगर चारों शंकराचार्य नहीं गए, निंदा करें उनकी, निंदा करें, ये बताइए करिए भाई। नहीं चारों शंकराचार्य नहीं गए, ये तो कांग्रेसियों का कहना है। पूरे भारत देश के तमाम ऋषि मुनि संत महात्मा तमाम लोग वहाँ जो मौजूद थे, पूरे टीवी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्यों रोका फिर राम मंदिर में जाने से अपने और कार्यकर्ता? चार शंकराचार्य नहीं गए, क्यों रोकी? शायद आप लोग नहीं रोकते तो वो लोग कांग्रेस में ही होते, नहीं जाते बीजेपी में। कांग्रेस के कहने से शंकराचार्य नहीं गए? अरे आप अपनी पार्टी के लोगों को रोके कि नहीं? किसी को नहीं रोका था, किसी को नहीं रोका। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो खुद ही आप लोगों पर आरोप लगा। आपके इस चैनल में जो नहीं आए, क्या वो घर बैठ के नहीं देख रहा? वो आपके नहीं कहलाए, आपकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो राम के मंदिर नहीं गए वो राम भक्त नहीं है। मेरा चैनल शो है सर, मंदिर नहीं है कि हर कोई मेरे से दर्शन लेने आएगा। आप एक उदाहरण है, आप उसको परफेक्ट न माने, एक उदाहरण है। आपने अपना उदाहरण दिया था कि मैं बच्ची बाहर पढ़ने गई थी, तो इसका मतलब उदाहरण है। आप आस्था के केंद्र में मुझे बीच में मत घसीटिए, मैं कह रहा हूं आस्था के बीच में आपको नहीं घसीट रहे, ये लोग घसीट रहे कांग्रेस को, ये आस्था के बीच में। क्यों कांग्रेस को घसीट रहे भैया? देखिए कांग्रेस को हम नहीं घसीट रहे हैं, कांग्रेस को चरित्र और चेहरा पूरे देश ने देखा है। जो आमंत्रण वहां पे न्यास ने जो दिया था कांग्रेस को, तो उस न्यास के आमंत्रण को कांग्रेस ने छुटकाया है। कांग्रेस ने भगवान राम की आस्था पर प्रहार किया है, कांग्रेस ने लाखों करोड़ों यहाँ के भारत देश के निवासियों के आस्था पर प्रहार किया है, इसलिए इस कांग्रेस को यहाँ की जनता माफ नहीं कर सकती। चलिए जनता माफ करेगी या नहीं ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन हाँ बताइए एक मिनट। कुछ नहीं, एक मिनट बस, क्या दिनेश भैया ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है कि नहीं दिया?
मेरा प्रश्न दिनेश भैया ने दिया है राम मंदिर के लिए चंदा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपने सही प्रश्न किया दिनेश जी, बता दीजिए ना चंदा दिया है कि नहीं दिया है, बता दीजिए। हमारे पास कोई भी चंदा मांगने वाला आया है निराश होके नहीं गया। अच्छा, जो भी इनके पास चंदा मांगने आया है वो निराश होकर नहीं गया है। राम मंदिर का जहाँ तक मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा पूरे शरीर का हुआ जाता है, अधूरा नहीं। मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है, इसीलिए सभी शंकराचार्यों ने विरोध किया, सभी शंकराचार्य नहीं गए, इसी कारण सनातन धर्म की रक्षा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर का विरोध करना आपको नहीं लगता महंगा पड़ गया? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं आपके कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं इसी से। राम मंदिर का विरोध किसी ने नहीं किया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया। आज 20 साल पहले इस कांग्रेस का जो चेहरा है अगर आप वो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से खुद को घृणा होगी। इनने लाइट नहीं थी, 7 बजे बाजार बंद कराते थे, 1200 मेगावाट इनके पास पूरे प्रदेश में लाइट थी। आज हम 12000 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम बात करें रोड की, रोड थे कि गड्ढे थे या गड्ढे में रोड थी? आज रीवा से लेके और सैडोल तक आने में 12 घंटे लगते थे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विकास के ऊपर से ये पर्दा डाल रहे हैं। इस ठीक है, बताइए भैया। हाँ हाँ ठीक है ना, सबके पास जाऊंगी मैं, तय कर लेती हूँ। आपने तो बात ही नहीं किया। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रतिनिधि कैसा हो हम उसकी बात करें, हम दिल्ली और भोपाल की बाद में बात कर लेंगे। हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, चूंकि पिछली जो 5 वर्ष का कार्यकाल था सामान्य। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि हम शहडोल की बात करें, आपको लगता है कि हमने शहडोल की बात नहीं की? नहीं नहीं, आप बहुत सारे मुद्दों को भटका रही हैं। मैं भटका रही हूँ मुद्दों को सर, आप शायद भूल गए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रहित के मुद्दों पर होता है सर, यही मुद्दों पर, राम मंदिर के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है सर। हाँ बताइए। गुस्सा क्यों हो भाई? नहीं गुस्सा तो होंगे ना, मुझे मुद्दे भटकाने का आरोप लगेगा तो। ए शांत रहो, क्या आप किसी पार्टी विशेष की है कि मीडिया की है? आपको क्या लग रहा है माइक लेके आई हूँ मीडिया की? लेकिन मुझ पर आप लोग आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगी। 90% भारत का मीडिया, कल मुहा मीडिया, मोदी का चमचा। अच्छा मोदी का चमचा मीडिया है? अच्छा आप डिसाइड करेंगे, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप नहीं डिसाइड कर सकते, चुप रहिए आप, बदतमीज है आप। अरे भैया बेरोजगारी बत्ता कहाँ है? ये कांग्रेस का चरित्र है, बेरोजगारी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। देखिए ये यहाँ पर माहौल देखिए, माहौल बिगड़ता हुआ फिर दिखाई देगा, फिर इन लोग कहेंगे कि आप मुद्दे से भटका रही हैं। वही बात हो रही थी जो जनता कह रही थी, आप भी सुन रहे थे लगातार। विस्तार न्यूज ये भी कह रहा था कि जनता बोलेगी, ये शहडोल है। दुर्गेश एक बार आप जरूर तस्वीर दिखाइए यहाँ की स्थिति, बार बार देखिए, ये शहडोल, ये सम्मान देते हैं महिलाओं को, ये बात कीजिए। क्या हुआ है, जब आपने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शोरगुल कर रहे थे, दूसरा अपनी बात कह नहीं पा रहा, उस शोरगुल को आपने रोका? अगर आप रोक देती सर, शोरगुल रोकना मेरा काम नहीं, मेरा काम सवाल जवाब करना है। पुलिस क्यों रहती है सर यहाँ पे, अगर लड़ाई रुकवाने आई हूँ क्या मैं? कहाँ है? आप नहीं देख रहे पुलिस इधर खड़ी है? कहाँ है? अभी आया एक आदमी। ये आपको आयोजन करने के पहले सुरक्षा पे ध्यान देना था। दूसरी बात यह है, ये जो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, ये मुद्दे पे बात करें ना, डिबेट करें ना। तो देखिए शहडोल में अब किसको मौका मिलता है किसको नहीं, हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है, तो वही फुंदे लाल कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। अब जनता किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती है, क्योंकि 19 अप्रैल को शहडोल लोकसभा के लिए मतदान होना है, ये तो देखने वाली बात होगी। नतीजे बताएंगे कि शहडोल के गढ़ में किसका झंडा गड़ेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।